आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना जरूर। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि कराटे हो, मार्शल आर्ट्स हो, कुनफू हो या फिर इस तरह की कोई भी टेक्निक, ये शुरू कहाँ से हुआ था। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने कभी भी उन लोगों के इतिहास को नहीं संभाला है जो वास्तव में भारत के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। उन्हीं गुमनाम हीरो में से एक थे बोधि धर्मन, जिसने पूरी दुनिया को कुनफू और मार्शल आर्ट्स जैसी टेक्निक सिखाई और बताया कि शाओलिन मॉन्क कैसे तैयार होता है। एक ऐसा शख्स जिसने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, लेकिन अफसोस कि भारत के ही लोग उसे भूल गए। आज बोधि धर्मन नाम के उस शख्स की चीन और जापान जैसे देशों में पूजा की जाती है। आज चीन के शाओलिन टेंपल को मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है और यहाँ दुनिया भर से लोग भी आते हैं। आज के समय में बहुत से लोग समझते हैं कि मार्शल आर्ट चीन और जापान जैसे देशों ने ईजाद किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस शख्स ने मार्शल आर्ट को जन्म दिया वो है बोधि धर्मन। दोस्तों आपको बता दें, बोधि धर्मन जन्म से ही साधु नहीं थे और ना ही वो किसी बौद्ध साधु के वंशज थे। असल जिंदगी में तो बोधि धर्मन एक रईस राजकुमार थे और कहा जाता है कि बोधि धर्मन दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में जन्मे थे। उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे और बचपन से ही बोधि धर्मन के पास असीमित दौलत थी और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऐसो आराम के साथ वो अपना पूरा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें बौद्ध साधुओं का सरल जीवन और आंतरिक शक्ति ढूंढने का प्रयास अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने बचपन में ही राजपाट त्याग कर बौद्ध साधु बनने का निश्चय किया। महज 22 साल की उम्र में ही इन्होंने आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट्स और पंच तत्वों को काबू में करने की विद्या सीख ली। उन्होंने दिव्य शक्तियों को भी हासिल कर लिया और जब इन्होंने मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया, तब इनके गुरु ने इनको सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार हेतु चीन की तरफ भेज दिया। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद बोधि धर्मन चीन के नानगिन गाँव पहुँचे। इस गाँव में ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की गयी थी कि गाँव में बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इसी बीच बोधि धर्मन उस गाँव पहुँच गए। गाँव वालों को लगा यही वो शख्स है जो गांव के लिए संकट लाने वाला है, इसलिए गांव वालों ने बोधि धर्मन को गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ ही समय बाद इस गांव में भयंकर महामारी आ गई, जिसकी वजह से गांव के कई लोग मरने लगे। गांव वालों को डर लगने लगा कि कहीं महामारी और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए जो भी बीमार आदमी था उसे गांव से बाहर कर दिया गया। लेकिन क्योंकि बोधि धर्मन आयुर्वेद को भी बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने गांव से बाहर निकाल गए उन सभी लोगों का इलाज करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि वो व्यक्ति संकट नहीं बल्कि संकटहर्ता के रूप में सामने आया है, तब उन्हें गांव में शरण दी गई। बोधि धर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने में लगा दिया और इस तरह उन्होंने पूरे गांव को झट से सुविधा उपलब्ध कराकर महामारी से बचा लिया। ये संकट खत्म होते ही गांव पर कुछ हैवानों और लुटेरों ने आक्रमण कर दिया। ये लोग गांव के लोगों को मारने लगे और लूटपाट करने लगे। पूरे गांव में कत्ले आम होने लगा। गांव वालों को लगता था कि बोधि धर्मन केवल चिकित्सा के बारे में ही जानते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस शख्स में कितनी असीमित ताकत मौजूद है। बोधि धर्मन ने मार्शल आर्ट्स और सम्मोहन के दम पर अकेले ही हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वाले बोधि धर्मन को अकेले ही उन लुटेरों से लड़ता देख चौंक गए। चीन के लोगों ने लड़ने की ऐसी कला आज तक नहीं देखी थी और इसी कारण बोधि धर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। इसके बाद लोग बोधि धर्मन के द्वारा उस कला को सीखे और पूरे चीन और जापान में फैला। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक योद्धा शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, आखिर कैसे तैयार होता है दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक योद्धा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मॉन्क को मात्र 3 या 4 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देनी शुरू हो जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में उन बच्चों को दुख, दर्द, पीड़ा, हर एक चीज का अनुभव कराया जाता है ताकि ये बड़े होकर इन चीजों का सामना बड़ी आसानी से कर सकें। बचपन से ही इनके शरीर को बेहद लचीला बना दिया जाता है, जैसे कि टांगों को अपने सर तक लाना, पेड़ों पर इनके शरीर को पूरी तरह मोड़ दिया जाता है, दोनों पैरों को पीछे से मोड़ कर पेड़ों पर लटका दिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पोजीशन में आने के बाद शरीर में कितना ज्यादा दर्द महसूस होता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसी हालत में इन बच्चों को कई मिनट तक रहना पड़ता है। दोस्तों शाओलिन मॉन्क एक ऐसा शख्स होता है जिसके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं होता जिसके अंदर असीमित ताकत ना मौजूद हो। यही वजह है कि एक शाओलिन मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ते। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को भी इतना मजबूत कर लेते हैं कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट पर भी बड़े से बड़े पत्थर या मजबूत से मजबूत लाठी मारी जाए तो भी उनके प्राइवेट पार्ट को थोड़ा सा भी असर नहीं होता। मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को मजबूत करने के लिए शुरू से ही अपने प्राइवेट पार्ट पर हल्की हल्की चोट करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा जोर से प्राइवेट पार्ट पर मारने का अभ्यास शुरू करते हैं और जब उन्हें लगता है कि उनका प्राइवेट पार्ट मजबूत हो चुका है तो उसके बाद मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को और ज्यादा पत्थर जैसा बनाने के लिए लकड़ी के एक बड़े लट्ठर को अपने प्राइवेट पार्ट से टकरा देते हैं। शाओलिन मॉन्क को ट्रेनिंग के वक्त केवल एक ही बात अपने दिमाग में रखनी होती है कि उनके शरीर का एक छोटे से छोटा अंग भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमजोर हो। यही वजह है कि शाओलिन मॉन्क अपने शरीर के हर एक मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए शरीर के हर एक हिस्से पर लाठी से
चोट पहुंचाते हैं। उनके शरीर पर लाठी से इतनी अधिक चोट पहुंचाई जाती है कि उनको दर्द महसूस होना ही बंद हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मॉन्क अपनी उंगली जैसे नाजुक अंगों को भी इतना मजबूत बना देते हैं कि वो अपनी उंगली की मदद से मजबूत पेड़ की शाखाओं में भी छेद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति शाओलिन मॉन्क के गले पर भी किसी डंडे से प्रहार कर दे तो उनको कोई असर नहीं होता। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क को जो सबसे जरूरी चीज सिखाई जाती है वो होता है ध्यान करने की क्षमता। ये तो आपने भी महसूस किया होगा कि जब आपके सामने कोई कठिनाई आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई इंसान अपने दिमाग को ही काबू ना कर पाए तो उस इंसान के अंदर चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हो, वो शख्स कभी जीत नहीं सकता। एक शाओलिन मॉन्क अपने दिमाग को काबू में रखने के लिए तरह तरह के ध्यान करने के तरीकों को अपनाते हैं ताकि वे मुश्किल से मुश्किल समय में भी खुद को शांत रख पाए, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो वो अपने दिमाग को काबू में रख सके। खैर, ये तो बात हुई एक शाओलिन मॉन्क के शरीर के अंदरूनी ताकत की, लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं आज के वक्त में लड़ाई शरीर की ताकत से ज्यादा हथियारों की ताकत से लड़ी जाती है। यही वजह है कि अंत में शाओलिन मॉन्क को हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हालांकि उनके हथियार बंदूक, गोली, बारूद जैसी चीजें नहीं होती, लेकिन शाओलिन मॉन्क जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं हथियारों की मदद से सैकड़ों बंदूकधारी लोगों का सामना कर सकते हैं और इस तरह से बनता है एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया का कोई भी शख्स हरा नहीं पाता, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हो या दुनिया का सबसे बड़ा मुक्केबाज या फिर कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को शक्तिशाली समझता हो, वो एक शाओलिन मॉन्क का सामना कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने देखा भारत से निकली हुई एक टेक्निक जिसे भारत का एक महान शख्स बौद्ध धर्म ने दुनिया भर के लोगों को सिखाया है, लेकिन कैसे आज हमारे भारत के ही लोग उस महान शख्स को भूलकर ये सोचते हैं कि कुंफू और मार्शल आर्ट्स जैसी चीजें चीन और जापान के अंदर इजाद हुई है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप मार्शल आर्ट्स के जनक बौद्ध धर्म के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताना, हम अपनी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर और भी डिटेल में लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियोस लाते रहेंगे।